जय श्री कृष्ण। आज हम लोग सीखेंगे कृष्ण भगवान के जीवन से ऐसी 10 बातें जो हम सबके जीवन में खुद उतारनी चाहिए और उनसे सीखकर अपने भी जीवन को धन्य बनानी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में विश्वास करिए, कर्म ही महान है और कर्म का कोई विकल्प नहीं है। जो व्यक्ति कर्म करता है वह व्यक्ति हमको भजता है, और जो व्यक्ति हमको भजता है वो व्यक्ति जीवन में सब कुछ हासिल कर सकता है। इसलिए कर्म करते रहिए, कर्म करने से जरा भी हिचकिए मत। हमने अपने जीवन में अनेकों कर्म करते हुए अपने पूरे जीवन को धन्य बना दिया है, और हमारे पदचिन्हों पर चलते हुए आप भी अपना जीवन धन्य बनाइए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। दूसरी चीज कृष्ण कहते हैं, सबसे मिलनसार रहिए, हर किसी से खुश होकर मिलिए, खुश मिजाज में मिलिए, बाल मन भाव जैसा मिलिए, जरा भी हिचक न हो, जरा भी दोष न हो, और साफ हृदय से मिलिए, सकारात्मकता से मिलिए, उसके कल्याण के लिए मिलिए, मिलनसार बने रहिए। यह जीवन में बहुत ही ऊंचाइयों को दिलाएगा। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के इन गुणों को आत्मसात करता है, निश्चित तौर से उसके जीवन में अनेकों अनेक खुशियां आ जाती हैं। तीसरी बात है, कृष्ण कहते हैं, सबका सम्मान करिए, सबका आदर करिए, अहम की भाव जरा भी मन में ना आने पाए। अगर आपके मन में जरा भी अहंकार आ गया तो मैं आपसे दूर हो जाऊंगा। यानी कृष्ण भगवान कहते हैं कि यदि आप अहम करते हैं, आपके दिल में थोड़ा सा भी अहंकार है, तो आप भगवान से दूर जा रहे हैं। तो कभी भी अहम का भाव नहीं लाना है। अगला है, उनके प्रेम की तीनों लोकों में गाथाएं गाई जाती हैं, तो निश्चित तौर से हमें प्रेम में निपुण होना पड़ेगा, हर किसी से प्रेम करना पड़ेगा। यानी अगर आपको अच्छा जीवन चाहिए तो आपको प्रेम में निपुण होना पड़ेगा। अगर जरा सा भी आप में प्रेम का अभाव रहा तो सफलता आपसे दूर हो जाएगी। कृष्ण कहते हैं कि शांति का मार्ग सर्वोत्तम है। अगर आप शांति के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे बताए हुए पदचिन्हों पर चलते हैं, और निश्चित तौर से आप इस पदचिन्हों पर चल के, आप इस रास्ते पर चल के सफलता अर्जित कर सकते हैं। अगर आप शांति के मार्ग पर चलते हैं तो एक बात का ध्यान रखिए, अपने अंदर क्रोध को आने मत दीजिए, क्योंकि क्रोध एक ऐसा कीड़ा है जो आपकी सफलता को खा जाता है। क्रोध एक ऐसा कीड़ा है जो आपकी सफलता को खा जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि क्रोध भी जरा न होने पाए। अगर क्रोध नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक स्वतः शांति के मार्ग पर चलने लगेंगे। अगली बात है, श्रेष्ठ शासक बनिए, श्रेष्ठता को आत्मसात करिए। अगर आप किसी भी चीज में श्रेष्ठ हैं तो निश्चित तौर से आपको सफलता मिलनी ही है। श्रेष्ठ शासक बनिए, श्रेष्ठ व्यवस्थापक बनिए, दूरदर्शी होइए, और साथ ही साथ दूरगामी परिणामों का आकलन करिए और दोष मुक्त रहिए। अगर आप दोष मुक्त हैं और अगर आप दूरगामी परिणामों को आकलन कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर से आप में सफलता आएगी, आपको सफलता मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, सच्चा मित्र बनिए, जिससे भी मित्रता करिए अंत समय तक मित्रता निभाइए। क्योंकि कृष्ण के जीवन में अर्जुन, कृष्ण के जीवन में सुदामा, कृष्ण के जीवन में उद्धव ऐसे मित्र हुए जिन्होंने श्री कृष्ण के मित्रता को अंत समय तक महसूस किया और मित्र भाव से लगे रहे। दोनों लोगों ने साथ निभाया, लेकिन कभी भी कृष्ण ने साथ तोड़ने के बारे में सोचा भी नहीं। अगर आपके सच्चे मित्र हैं तो निश्चित तौर से आप सफल होंगे, क्योंकि मित्र मित्र को सफलता जरूर दिलाता है। श्री कृष्ण की एक ये भी क्वालिटी थी कि कुशल राजनीतिज्ञ थे, ज्ञानी थे, रचनात्मक थे, कला निपुण थे, रणनीतिकार थे, और सबसे बड़ी क्वालिटी कृष्ण की थी कि वह एक नेतृत्वकर्ता थे। क्या थे? नेतृत्वकर्ता। कृष्ण एक ऐसे नेतृत्वकर्ता थे
जिनके नेतृत्व में महाभारत का युद्ध पांडवों ने जीता, जिनके नेतृत्व में एक अलग तरीके की पांडवों ने पहचान बनाई, एक अलग तरीके का शासन हुआ। इस नेतृत्व से अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना चाहिए। मित्रों, श्री कृष्ण की अगली क्वालिटी थी जिम्मेदारी निभाने वाले जिम्मेदार व्यक्ति बनिए। अगर आप किसी भी चीज की जिम्मेदारी निभाने लायक बनते हैं, आप में वो क्वालिटी है, तो निश्चित तौर से आप सफल हो सकते हैं। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में बहुत सी ऐसी जिम्मेदारियां निभाई जो एक पुत्र को निभाना चाहिए, जो एक पति को निभाना चाहिए, और निश्चित तौर से सारी की सारी जिम्मेदारियों को कृष्ण ने निभाया, बखूबी निभाया। श्री कृष्ण धीर वीर गंभीर थे, उनके अंदर ये सभी क्वालिटी थी, और साथ ही साथ उनका ऐसा मानना था कि जीवन में जो भी होता है प्रारब्ध है, न कोई किसी से कुछ लेता है न कोई किसी को कुछ देता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है होने दीजिए, यह प्रारब्ध है, परम सत्ता पे विश्वास करिए, प्रारब्ध पे विश्वास करिए, जो भी होगा अच्छा होगा, जैसा भी होगा अच्छा होगा, प्रक्रिया पे विश्वास करिए, अपने ईश्वर पे विश्वास करिए। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी क्वालिटी थी विश्वास, वह विश्वास करते थे और उनके जीवन में सब कुछ वैसा ही होता था जैसा वो चाहते थे, क्योंकि विश्वास में सबसे बड़ी शक्ति है। मित्रों, श्री कृष्ण की अगली क्वालिटी थी रिश्तों को निभाते थे, हर रिश्तों को उन्होंने बखूबी निभाया है। ग्रामीण लोगों से रिश्ते निभाए, अपने प्रजा के लोगों से रिश्ते निभाए, अपने मित्रों से रिश्ते निभाए, अपने साथियों से रिश्ते निभाए, साथ ही साथ युद्ध में रिश्ते निभाए, और एक अलग तरीके के विचार रख के आगे बढ़े और जिंदगी में सफल रहे, तो उनकी इन क्वालिटी को अपने जीवन में उतारनी चाहिए। मित्रों, वैसे तो श्री कृष्ण के बहुत ऐसे गुण हैं जो गिनाए नहीं जा सकते हैं, जिनको हम क्या कोई भी गिन नहीं पाएगा, लेकिन श्री कृष्ण के एक और गुण के बारे में चर्चा करूंगा, वह है कर्म धर्म और मर्म के ज्ञाता बनिए। यानी आप जो करते हैं उसके ज्ञाता बनिए, आप जो काम करते हैं उसका मर्म क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके ज्ञाता बनिए, और अपने जीवन में किस धर्म का आप पालन करते हैं उस धर्म के ज्ञाता बनिए। यानी कर्म धर्म और मर्म तीनों के जब ज्ञाता बनेंगे तो जीवन में सफलता मिलनी ही है। और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महाउत्सव पर मैं एक श्री कृष्ण के 10 क्वालिटी को मैं चाहूँगा कि हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में उतारे, जीवन में सफलता पाए, जीवन में रिश्ते निभाए, राजनीतिज्ञ कूटनीतिज्ञ और साहस के साथ अपने जीवन को सफल बनाए। निश्चित तौर से एक क्वालिटी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छा लगा होगा तो निश्चित तौर से वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वालिटी के वीडियो, ऐसे ही अच्छे अच्छे ज्ञान सुनते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और सफलता हासिल करते रहिए। यही मेरी कामना है, श्री कृष्ण आपके जीवन में वो सब खुशियाँ दें, वो सारी खुशियाँ दें जो आप चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आपके लिए आज का दिन शुभ हो, धन्यवाद।